डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, एक वीक के लिए मैं और मेरा परिवार शिरडी साईं बाबा, बनारस, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ सब में हम लोग घूम के आए और हमारे बगिया की आज आपको अपडेट दे रहे हैं। पौधों में इतना पानी भर गए थे कि फिर भी अभी भी हरे हैं, ग्रीन सारे पत्ते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है सभी, गोभी, टमाटर, पालक। अब आज हम पूरा परिवार ऊपर आए तो इतनी गंदगी है इस बगिया में, उसकी सारा परिवार मिलके सफाई में लगा हुआ है। पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर पौधों में पानी देंगे, फिर देखेंगे किस पौधे में हार्वेस्टिंग करनी है, कौन सी चीज तैयार हो गई है। जैसे हमारे पालक है, हल्दी है, आपको हल्दी अभी दिखाएंगे, हल्दी की हार्वेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए अगर किसी चीज को छोड़ दिया जाए तो कैसी छत हो जाती है, कैसी गार्डन हो जाता है, कैसा घर हो जाता है। एक हफ्ते बाद इतना छत पे कचरा इकट्ठा हो गया है और आज हम लोग इस कचरे की सफाई कर रहे हैं। ये देखिए पालक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार खड़ी है, आज इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और गांठ गोभी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, उसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे। मुझे ये आज अपने गार्डन की सफाई करनी थी, मेरी पूरी फैमिली इस समय लगी हुई है। ये देखिए आधी छत हमारी साफ भी हो गई है और जो गंदगी रह गई है वो हमने चूल्हा जला दिया, साथ में आपको चूल्हा दिखाएं, उस पर चाय बन रही है। और ये देखिए मैंने चूल्हा जला दिया, मेरे गार्डन में बहुत लकड़ी सूखी तैयार हो गई थी तो चूल्हा जला दिया है। और ये आप देख सकते हो चाय बना रहे हैं, ये चाय के कप रखे हैं क्योंकि जो लोग ठंडी में मेहनत कर रहे हैं उनको चाय भी पिलानी है हमें, क्योंकि बच्चे सब ठंडी में नीचे ऐसे आ गए हैं और वो सफाई कर रहे हैं। तो उन लोगों ने आज इच्छा जाहिर की है कि मुझे चूल्हे से आप नाश्ता और चाय बना के दो। तो अभी देखिए चाय चढ़ी हुई है और इसकी चूल्हा जलाने के मुझे कई बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि इसकी जो राख तैयार होगी वो हमारे पौधों में काम आएगी। और घर की आज चूल्हे की चाय भी जैसे होटलों में मिलती उस तरह का टेस्ट मिलेगा। और यहाँ की गंदगी जो लकड़ी अकड़ी पत्ते हैं वो भी हम इसमें यूज कर लेंगे। तो इस तरह से चूल्हा जला के हम चाय बना रहे हैं। तब तक आप हमारे थोड़ा गार्डन का व्यू देखिए। देखिए पत्ता गोभी अपने आप कैसा बढ़िया 8 दिन में तैयार मुझे मिला, मैं लगा के गई थी। ये बंद गोभी तैयार हो रहा है, तो यही सब ऊपर का सारा दिन यही प्रोग्राम रहेगा और ये सब आपको मैं शूट करके दिखाऊंगी। अच्छा, का वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा आपको भी आज गाँव का माहौल दिखा दे। देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा बर्तन तो है नहीं, ले हाथ से नाप के मैं देखिए चीनी डाल रहे हैं दूध में और ये चीनी डाल दी और ये अब चाय पत्ती डालने जा रहे हैं।
ये देखिए चाय पत्ती डाल रहे हैं और अब ये अपने गार्डन से तुलसी की पत्ती थोड़ी तोड़ेंगे और इसमें डालेंगे और इसके बाद में चाय पियेंगे। और ये देखिए चाय के बर्तन लाए हैं और ये अदरक कुटी घर नीचे से लाए हैं तो ये अदरक डाल दिया मैंने इसमें। और अभी मेरी पोती है वो तुलसी की पत्ती ला रही, वो डालेंगे और इसके बाद चाय छानेंगे। और ये देखिए तुलसी की पत्ती ले आई है, अब इसको हम तोड़ के चाय में डाल रहे हैं। और ये देखिए चाय बनके तैयार हो रही है, आइए आप लोग भी चाय पीजिए आके। ये देखिए ये बहन ने मेरी ने चूल्हे पे चाय बनाई है कड़कती हुई। आज चूल्हे पे परोठे बनेंगे और दोपहर को साग बनेगा। चीनी रखी हुई है गिलास में, प्लेट उसी पर रख दो। तो कैसा लगा आपका मेरे गार्डन का अपडेट और कैसी लगी हमारी ऊपर चूल्हे पे चाय बनते हुए? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।